अब आप अगले बिल के हाल देखो, जरा सी भी साइन नहीं मारता। और वो पिछला देखो कितना साइन मार रहा है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी साइकिल है उसके स्पोक है वो साइन कैसे करे, यानी कि रेनी सीजन में आपकी जो साइकिल है उसका जो स्पोक है वो काफ़ी रस्ट चढ़ जाती है भेज के कारण, जिसकी वजह से काफ़ी गंदी और काफ़ी उसका जो उठाव साइकिल का जो शान है वो काफ़ी घट जाती है। तो आज हम बात कर लें कि साइकिल का जो स्पोक है उसकी शाइन कैसे बढ़ाए, काफ़ी अच्छी सी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है वो कार के रिलेटेड नहीं होगा, ऑटोमेटिक रिलेटेड ही होगा, पर उसकी शाइनिंग के ऊपर है वो रह गया, थोड़ी सी एक अलग मैं एक वीडियो आज मैं बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से हर ऑटोमेटिक रिलेटेड की सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। सो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ जो व्हील के जो स्पोक है देख सकते हो काफ़ी गंदा है, देख सकते हो काफ़ी मट्टी, और ये जो मैंने ऑयल काफ़ी ज़्यादा इसमें मैं डाल दिया था इसकी वजह से काफ़ी है वो स्पोक है वो काफ़ी ऑयली हो चुके थे, ऑयल के जो है वो छाटे उसके पड़ने के बाद काफ़ी है वो गंदी हो गए है उसके स्पोक, देख सकते हो जरा सी भी शाइन नहीं है स्पोक में, काफ़ी गंदा स्पोक हो गया है। तो थोड़ी सी मैं प्रोसेस बताऊंगा, वो फॉलो करेंगे तो काफ़ी है वो अच्छा है वो स्पोक होगा। दोस्तों सबसे पहले हम कार का जो साइकिल का पिछला व्हील है उसको पहले पानी से साफ कर देंगे। पानी साफ करने के बाद थोड़ा बहुत जो नेल मिट्टी वगैरह है वो निकल जाएगा। तो दोस्तों अब हम यूज करेंगे हमारे असली बादशाह को, देखो ये हमारा फॉर्म बॉस, इसका मैं यूज अभी मैं करूंगा। पहले तो मैं काफी इसको हिलाना होगा, देखो पर को मार रही है, काफी अच्छी फॉर्म निकली, ये देखो कितनी अच्छी फॉर्म निकल रही है। ये देखो काफी जो गंदा जो मेल है वो निकल रहा है मट्टी वगैरह, थोड़ी देर से रहने देंगे उसके बाद वो काफी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। पहले उस पार से अभी हम क्लियर कर देते हैं, देखते हैं यहाँ भी कितनी गंदा है ये व्हील। देखो काफी ज्यादा मेल निकल रहा है इसमें, आप देख सकते हो थोड़ा सा पीला पीला है, देख सकते हो काफी गंदा मेल थोड़ा बहुत निकल गया आसानी से। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा कपड़ा लेंगे, उससे थोड़ा घिस लगे, उसके बाद हम सैंड पेपर का यूज करेंगे। कपड़ा थोड़ा सा गीला वाला लेना है, हम इसके दो गंदे जो बात है उसको हम साफ कर लेते, एक एक स्पोक को हमें साइन करना है, इसलिए हम सभी स्पोक को उसको घिसेंगे अच्छी तरह से। पहले देख सकते हो कितनी मट्टी है, आप देख सकते हो कितनी मट्टी जितनी हुए है, देखो देख सकते हो यहाँ जो रस्ट लगी है, यहाँ देख सकते हो कि यहाँ जो रस्ट लगी है वो हमें रिमूव करना है, तो वो हम उसकी प्रोसेस में बाद में बताऊंगा, पर पहले हम कपड़े से साफ कर लेते हैं। ये देखो काफी मैंने घिसा फिर भी है वो जो शाइन है वो इतनी शाइन नहीं पकड़ रहा, देख सकते हो गए यहाँ जो शाइनिंग है, देखो अभी तक जो शाइनिंग है वो नहीं आ रही है,
काफी अच्छी शाइनिंग मैं अभी ला दूंगा। देखो अभी उस पार से साफ कर लेते हैं। इतना सारा डार निकलता जब आप एक सिगरेट पीते हो, इतना डार जो आप बीमार बनते थे। थोड़ी थोड़ी डिजाइन निकल रही है, पर काफी अच्छी जो साइन लानी है वो भी नहीं आ रही है। थोड़ा बहुत तो मैंने साइन कर दिया, पर अब हम क्या करके अपना सैंड पेपर है वो यूज करेंगे। थोड़ा सा पानी वगैरह डाल लेते हैं। थोड़ा बहुत है वो साइकिल क्लीन हो चुकी है, पर थोड़ा अब हम पानी तो सैंड पेपर है उसका यूज करेंगे। ये देखो ये सैंड पेपर अपना, मैंने नंबर है वो 600 नंबर का सैंड पेपर यूज करा है, देख सकते होगे। इसके अब हम इससे जो रस्ट है वो निकालेंगे, थोड़ा सा टुकड़ा कर देना है। अब निकालना कैसे है मैं आपको अच्छी तरह से बताऊं। ये जो सैंड पेपर है उसको ऐसे रखना है, ऐसे खींचना है। देखो यहाँ देख सकते हो यहाँ जो रस्ट है वो थोड़ा थोड़ा सा निकलना चाहिए। तो मैंने एक स्पोक बताया, ये देखो कितनी साइन हो गई है। देखो अभी मैं पानी डाल देता हूँ थोड़ा। देखो ये स्पोक, देखो आके में ये काम करता है। देखो अब मैं पूरा साइकिल के ऊपर है वो स्पोक के ऊपर ये खींच देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब है हम ब्रश का यूज करेंगे। ब्रश का यूज जहाँ हमारी उंगली नहीं पहुँचती वहाँ हम उसमें पानी में डालकर थोड़ा सा घिस लेंगे ऐसे। देखो स्पोक को भी थोड़ा सा घिस लो। अब साइकिल है वो पानी से थोड़ी सी धो डालनी। अब हम क्या करके ये कपड़ा लेंगे उससे जो मेल वगैरह है वो पूरी अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। जो भी सैंड पेपर का जो मेल निकला था ब्लैक कलर का वो भी हम साफ कर लेंगे। दोस्तों ये देखो हमारा काम हो चुका है। ये हम सन के नीचे हमारी जो साइकिल है वो ले आए हैं। अब देख सको साइनिंग देखो अभी इसकी, देख सकते हो कि साइनिंग कितनी अच्छी साइनिंग आ रही है। देखो ये सिर्फ ये जो फॉर्मूला है मैंने सिर्फ पिछले व्हील में ही अप्लाई किया है। अब अगले व्हील के हाल देखो, जरा सी भी साइनिंग मार, और वो पिछला देखो कितना साइन मार रहा है। You hurt me addict several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than with. आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये एक नया ऑटोमेटिक रिलेटेड के एक जो नया एक मैंने वीडियो बनाया था कि आपको नई जानकारी मिलती रहे कि आपका जो साइकिल का स्पोक है उसको साइन कैसे बढ़ाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से हर ऑटोमेटिक रिलेटेड की तारीख से जानकारी आपको मिलती रहे। ऐसी एक नई नई क्रिएटिव जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।